दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम जो है आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन ना हो और हम जो है आप लोगों के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रकार की लेके आते रहें। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो है अगर आप और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की नौकरी देखना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर के पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जो है अपने गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में जो है आपको www.quicktechdev.com जो है लिखना है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न के पीडीएफ पा सकते हैं, करंट अफेयर के पीडीएफ जो है आपको मिल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वेबसाइट को में जाके क्लिक करना है, ये वेबसाइट का नाम डालना है, आपके सामने जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल के आएंगी। जैसे कि अगर हमने लेटेस्ट वैकेंसी जो है अपलोड की है, तो ये सारी वैकेंसीज़ देखने के लिए, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने के लिए या फिर आप जो है फॉर्म को फिलअप करने के लिए www.quicktechdev.com को सर्च कीजिए, आप जो है वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी फॉर्म हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया के लिमिटेड के बारे में, कि कौन कौन से कैंडिडेट या फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर सिविल, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल और फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 14 वैकेंसीज़ हैं, सिविल के लिए 6 वैकेंसी है, देन यहाँ पे फील्ड सुपरवाइज़र के लिए 10 वैकेंसी है, फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के लिए 6 वैकेंसी है। तो टोटल जो है आपको यहाँ पे 36 वैकेंसी है। बाकी वैकेंसी जो है आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और तो देखिए, यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि जो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 29 साल रखी गई है फील्ड इंजीनियर के लिए, यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फील्ड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 55% जो है दोस्तों मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी सेम रखा गया है दोस्तों। देन दोस्तों, यहाँ पे 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है दोनों पोस्ट के लिए, अगर आप के पास है तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सेम कंडीशन जो है सिविल इंजीनियर के बारे में भी रखा गया है, उनके पास भी 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे कि कितना एप्लीकेशन फ़ी वगैरह होगा और बाकी चीज़ें क्या सुविधाएँ वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों जैसे एक सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इनका जो पेपर होगा 1 घंटे का पेपर जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, 75 मार्क्स का जो है पेपर होगा। पेपर में 2 पार्ट होंगे, पहले पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन जो है आप जिस डिसिप्लिन से उस डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे पार्ट में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। देन दोस्तों, इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। देन एग्ज़ाम होने के बाद जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पे और जो आपके एग्ज़ाम दिया उसके बेसिस जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मिनिमम जो परसेंटेज है दोस्तों यहाँ पे 40% रिक्वायरमेंट है। और ये जो पेपर होगा दोस्तों उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ तो वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। अब फील्ड सुपरवाइजर की बात की जाए दोस्तों, तो इनमें भी जो है 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के जो है 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और डाटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपकी यहाँ पे आएगी। देन दोस्तों, यहाँ पे भी जो है आपको ये सारी चीज़ दी जाएगी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, तो फील्ड इंजीनियर के लिए सैलरी जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक है। इसके साथ साथ जो है आपको DA HRA और बाकी जो अलग फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। सुपरवाइजर के लिए 23,000 से लेकर 1,50,000 तक जो है सैलरी यहाँ पे रखी गई है।
फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यूज़ कीजिए, quicktechdev.com पे आप जाइए, वहाँ से फॉर्म जो है आप इजीली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी वैकेंसी को कैसे आप जानेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये का, फिर सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये का फॉर्म रखा गया है, SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रखा गया है। एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों यहाँ पे लखनऊ और आगरा जो है एग्जामिनेशन सेंटर है, सिर्फ दो ही जगह जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों, और एक कैंडिडेट जो है एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म को नोटिफिकेशन वगैरह आपको जानना है या फिर करंट अफेयर आपको जानना है, PDF चाहिए, तो आप जो है ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इस वेबसाइट के लिंक को आप डेली क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेली जो है आपको नई नई जॉब बताई जाती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सबसे पहले जॉब जो है हमारे इस वेबसाइट पे बताई जाती है। तो इस वेबसाइट को quicktechdev.com को खोलना ना भूले, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिलेगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो है यहाँ पे दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट किया जाएगा जो आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। तो इस वेबसाइट को जितना हो सके दोस्तों उतना खोलिए, और इसमें आप किसी भी वेबसाइट का अगर आप खोलोगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का और नोटिफिकेशन का PDF भी आप जो है वहाँ से पा सकते हो। तो आप जो है इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको डेली जो है नई नई वैकेंसीज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।